अब रिक्रूट करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निजी आवास जो राजधानी जयपुर के अंदर है, उस पर आज विधायकों का तांता लगा रहा है। विधायक एक एक करके उनके पास आ रहे हैं और ये वो विधायक हैं जो लगातार सचिन पायलट के समर्थन में थे और आज एक बार फिर से वह सभी इनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप सभी को बता दूं कि गहलोत समर्थन के विधायक जो विश्वेंद्र सिंह हैं, वह भी आज सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों उनके आवास पर जाया जा रहा है और इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी की चर्चाओं के बीच में एक बार फिर से राजस्थान की सियासत गर्मा चुकी है। सचिन पायलट के जयपुर के आवास पर अचानक से हलचले बढ़ गई। सुबह से ही सचिन पायलट के सिविल लाइंस आवास पर उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन पायलट से उनके आवास पर उनके समर्थक विधायकों ने मुलाकात की है, तो वहीं गहलोत के समर्थन में बयान देने के बाद आज पहली बार विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। विश्वेंद्र सिंह के अलावा पायलट समर्थक राकेश पारेख, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया ने सचिन पायलट से मुलाकात की। भाजपा विधायक गुरदीप शाहपीणी ने भी पायलट से मुलाकात की है। साथ ही साथ भाजपा विधायक शाहपीणी ने कहा कि व्यक्तिगत काम से मुलाकात की है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने कल कहा था कि मैं अशोक गहलोत के साथ हूँ क्योंकि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैं सचिन पायलट के साथ भी हूँ। मैं गहलोत और पायलट दोनों के बीच सेतु का काम कर रहा हूँ ताकि कांग्रेस बच सके। आज ही मैंने सचिन पायलट से बात की है, कल भी मैं उनसे मिलने जाऊँगा, मैं दोनों से मिलता रहता हूँ। साथ ही कल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हर साल दौसा के भंडाना में होने वाला बड़ा कार्यक्रम भी टल चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कार्यक्रम को टाला गया। हालांकि सचिन पायलट और समर्थक विधायक भंडाना जा सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कल पुण्यतिथि पर जुटने वाले विधायकों की संख्या के हिसाब से पायलट ताकत दिखा सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान में गांव डाणी तक जाकर इन्होंने संघर्ष किया और प्रत्येक कार्यकर्ता की पहचान करके हम जैसे साधारण परिवार के लोगों को इन्होंने चुनाव लड़ाने का जो बीड़ा उठाया, और इसलिए हम सब लोग आज एक आमजन की आवाज़ बनकर सचिन पायलट जी के साथ हम पहले भी थे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। फेरबदल की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि जिन बड़े समाजों ने कांग्रेस पार्टी का हमेशा से दामन थामे रखा, आज उन लोगों को अगर किनारा किया गया है तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है और भविष्य में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूरी। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का लालसोट दौरा हुआ है। 10 जून गुरुवार को करेंगे चिकित्सा संसाधनों का लोकार्पण। तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ बछवारा में सोनोग्राफी मशीन और एम्बुलेंस का लोकार्पण होगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडवाना में डिजिटल एक्सरे मशीन का भी लोकार्पण होगा। साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरी में डिजिटल एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन का भी लोकार्पण होगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनड़ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का करेंगे लोकार्पण। साथ ही लालसोट विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री ने चिकित्सा विभाग को सौगात दी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में, मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार इस कोरोना महामारी के कारण बच्चों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और इन बच्चों पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कल एक नया मामला सामने आया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर MIS-C रोग का कहर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि गुजरात और मध्य प्रदेश, इन दोनों के अंदर इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि ये क्या बीमारी है, इस बीमारी के अंतर्गत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि 1 साल से लेकर के 7 साल और 10 साल तक के बच्चे ऐसे हैं जिनके अंतर्गत जो कोरोना से सही हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है और उन सिम्टम्स के आधार पर ही
यह बीमारी सामने आई है क्योंकि कोई सिम्टम्स तो नजर आ नहीं रहा, लेकिन बच्चे फिर भी संक्रमित और उन्हें बुखार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी कई लोग अब संक्रमण वापस होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि 60% लोग ऐसे संक्रमित नजर आए हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा चुकी हैं। लेकिन वही अगर हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर 70% लोग ऐसे हैं जो पहली डोज लगा चुके हैं और उसके बाद भी उनको कोरोना का प्रभाव जकड़ता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ जिसमें आप सभी को बता दूं कि जतिन प्रसाद कल बीजेपी के अंदर शामिल हो चुके हैं। उनका बीजेपी के अंदर शामिल होने का मेन कारण कांग्रेस की विफलता रही है, जिसके चलते हुए वह बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन इसका सीधा सीधा प्रभाव राजस्थान के ऊपर पड़ता हुआ आया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के अंदर जो सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनकी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दोनों की नहीं बन रही। लेकिन इसी बीच अब सियासी हलचल इसलिए तेज हुई है कि क्या सचिन पायलट भी अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस बात को नकारते हुए सचिन पायलट ने साफ साफ मना कर दिया है कि वह बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। आला कमान ने उनकी बातों को मानने के लिए कहा है, लेकिन वह बातें कब तक मानते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ दहूं की शिक्षा का मंदिर अब लगातार बर्बाद होता हुआ जा रहा है। जी हाँ, आप सभी को बताते कि शिक्षा के मंदिर में लोग शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही सामने आ रहा है और वो भी एक ही दिन में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें शिक्षा के मंदिर में नाबालिग के साथ में दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिली है। ऐसा ही मामला जोधपुर के अंदर और रेवाड़ी के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जोधपुर में तो छठी कक्षा की छात्रा से शिक्षक ने ही रेप कर दिया, और वहीं रेवाड़ी की बात करते रेवाड़ी में बालिका से 6 नाबालिगों सहित 7 ने गैंग रेप किया है। और इसी के साथ जब उसका वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के उसके पिता ने उसकी कंप्लेन पुलिस थाने में करवाई है और पुलिस अब इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। चलिए अब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के आंकड़ों की ओर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर 520 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और साथ ही साथ 30 लोगों की मौत भी देखने को मिली है। अगर हम वही बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट अब अच्छी होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिलान्यास किया है। सोनर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फीता काट कर मंत्री ने उद्घाटन किया। सोनर में 6 माह से पटवारी नहीं होने से पेंशन के लिए लोग भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से ग्राम पंचायत सोनर के गांव सिंदोली और बाढ़ वंचित बने हुए हैं। सोनर सरपंच बाबूलाल गुप्ता ने समस्या का निदान करने की उद्योग मंत्री से मांग की है। वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनर की जमीन के लिए तहसीलदार को उद्योग मंत्री ने दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ पचवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उद्योग मंत्री ने एम्बुलेंस और सोनोग्राफी का उद्घाटन किया। पंडितों ने एम्बुलेंस का वेद मंत्रों से पूजन किया। नारियल फोर एम्बुलेंस को जनता के नाम किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा में चिकित्सा प्रभारी ने लैब टेक्नीशियन और बाबू को जाने की मांग की है। उद्योग मंत्री ने समस्या निराकरण में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण ने उद्योग मंत्री से रामगढ़ पचवारा में पटवारी लगाए जाने की मांग की। रामगढ़ पचवारे में 4 करोड़ की लागत से डबल मंजिल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जल्द ही तैयार होगा। उद्योग मंत्री ने डीडवाना में डिजिटल एक्सरे का भी उद्घाटन किया और उद्योग मंत्री ने अपने गृह क्षेत्र मंडावरी में भी डिजिटल एक्सरे का और सोनोग्राफी का उद्घाटन किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष ने आज मुलाकात की है। RSSB अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से आज मुलाकात की। वहीं पटवारी रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन JEN भर्ती कृषि अन्वेषक स्टेनोग्राफर कृषि पर्यवेक्षक और ECG सहित तमाम लंबित भर्तियों को लेकर आज मुलाकात की। चोमू के एक निजी अस्पताल में महिला से दुष्कर्म, पीड़िता ने डॉक्टर पर लगाए दुष्कर्म के आरोप। काम दिलवाने के बहाने अस्पताल में लाने चैम्बर में बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी ACP चोमू इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं।
हत्या के आरोपी युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस अभिरक्षा के दौरान युवती ने ब्लेड से हाथ काट किया प्रयास। लूनी थाना क्षेत्र में गत दिनों पारिवारिक विवाद में 12 वर्षीय मासूम की हत्या की गई थी। इसके आरोप में सुमित्रा व उसके भाई को किया गया था गिरफ्तार। सुमित्रा ने ईएसआई अस्पताल में आत्महत्या का प्रयास किया। प्रतापनगर थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में परीक्षाएं कराने को लेकर बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की सलाह है कि फर्स्ट ईयर को बिना परीक्षा प्रमोट करने, सेकेंड ईयर को मल्टीपल एग्जाम और फाइनल ईयर की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराई जाए। महापौर मामले में जयपुर विधायकों का न आना संज्ञान में पार्टी के बड़े लोगों ने इस संबंध में मंथन किया। झालावाड़ में गुमशुदा के पोस्टर लगाना भी कांग्रेस की नीति में शामिल। वहीं दौसा में 8 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। छात्र संघ चुनाव के दौरान हुड़दंग का आरोप था। जिला मुख्यालय पर 2013 में हुआ था यह घटनाक्रम। पिलवा निवासी रिंकू मीना है आरोपी। सिकंदरा पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने का आरोपी है। वही जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 विश्वविद्यालयों के भवन का लोकार्पण शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में किया लोकार्पण शिलान्यास। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का शिलान्यास कर लोकार्पण किया। झालावाड़ में लगे वसुंधरा राजे की गुमशुदगी के पोस्टर। वसुंधरा राजे व उसका बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को बताया गुमशुदा। झालावाड़ शहर एवं झालरापाटन शहर में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में की गई है पता बताने वालों को आकर्षक इनाम देने की घोषणा। पोस्टर में झालावाड़ की परेशान जनता को बताया निवेदक। पोस्टर लगाने की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटाए पोस्टर। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ है। कोटा एसओजी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। तस्करी के लिए ले जा रहे 2 क्विंटल गांजा को जब्त किया। हैंगिंग ब्रिज के पास गाड़ी में ले जाते हुए पकड़ा। एसओजी एडिशनल एसपी हिम्मत सिंह की कार्रवाई। फिलहाल मौके पर कार्रवाई चल रही है। गाड़ी जब्त व आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में बीएसएफ के नवरक्षक की प्रशिक्षण के दौरान हुई मौत। स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को गिरने से बेहोश हुआ था जवान इंद्रजीत। उपचार के दौरान एमबीएम अस्पताल में हुई मौत। बीएसएफ ने मंडोर थाना में दर्ज कराया मुकदमा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19। वही खबर लालसोट दौसा से आ रही है जहां 18 प्लस के वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं की भीड़ लग गई। सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन किया गया। वही मामला उपखंड रामगढ़ पचवारा के गांव सोनर का है जहां ग्राम पंचायत सोनर में 18 प्लस के युवाओं में वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाने का जरिया है, मगर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है। कोरोना के संक्रमण पे ऐसे जीत कैसे हो पाएगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। आई नजर डालते हैं हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर। एक विवाहिता पति और ससुराल वालों के जुर्मों को सहते सहते इस हद तक टूट गई कि उसने जान देना मुनासिब समझा। हरियाणा के भिवानी जिले भवानी खेड़ा कस्बे के गाँव अरुणैत में एक विवाहिता ने बुधवार देर रात अपनी 5 साल की बेटी के साथ जहर मिंगल कर आत्महत्या कर ली। मृतका ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। मामले का पता तब चला जब सुबह वो उठी नहीं। पति ने उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वह दोनों माँ बेटी को अस्पताल ले गया जहां उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान रवीना पुत्री धर्मवीर सिंह निवासी बोगाना हिसार के रूप में हुई। मायके वालों को जैसे ही घटना का पता चला वह बेटी और नातिन के शवों को हिसार ले आए। मायके वालों ने मृतक बेटी के पति अनीश और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए तंग करने की शिकायत दर्ज करवाई है। हरियाणा के हिसार की चौधरी कॉलोनी निवासी सेना से सेवानिवृत्त वजीर सिंह की उसके ही बेटे संदीप ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घर से दुर्गंध आने के बाद हत्या का पता लगा। हत्या 2-3 दिन पूर्व की गई थी जिसका पता बुधवार को लगा। सूचना मिलते ही डीआईजी बलवान सिंह राणा, डीएसपी नारायण चंद, सदर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वजीर सिंह की डंडों व ईंटों से पीट पीट कर हत्या की गई है। शव घर में चारपाई पर मिला। पुलिस ने मृतक वजीर सिंह के भाई जयपाल बयान पर मृतक के बेटे संदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने पर कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में झज्जर पुलिस की एक एसआईटी टीम का गठन किया। बुधवार को टीम ने भिवानी पहुंचकर आरोपी को एक ठिकाने से धर दबोचा। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर टेकरी बॉर्डर पर
किसानों के आंदोलन में 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आंदोलनकारी 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई थी। बहादुरगढ़ पुलिस ने भी महिलाओं और 4 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। दुष्कर्म और वारदात की साजिश में शामिल होने के आरोप में युवती के पिता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना बहादुरगढ़ में FIR दर्ज कराई गई और संयुक्त किसान मोर्चा को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का पता 2 मई को ही चल गया था। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने की जगह किसान नेता बैठक करते रहे। सरकारी विभाग में क्लर्क लगवाने के नाम पर 4 लोगों से करीब 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में पंचकुला के सेक्टर 23 निवासी अमित ने बताया कि न्यू राजेंद्र कॉलोनी रोहतक का रहने वाला आरोपी अमित कुमार वह काफी समय से जानता है, वह सरकारी नौकरी करता है। उसने बताया कि हरियाणा सरकार में 4600 पोस्ट क्लर्क की निकली है। मेरी अधिकारियों से अच्छी पहचान है, कोई रिश्तेदार या जानकार लगवाना है तो बता देना। वह अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाने के लिए तैयार हो गया तो आरोपी ने कहा कि एक व्यक्ति के 5.5 लाख रुपए लेगा, हर व्यक्ति को 3 लाख देने पहले होंगे। आरोपी ने 4 लोगों को नौकरी लगवाने के लिए 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए। इसके बाद 20 सितंबर 2019 को आरोपी को जेलमिल ढाबे पर 5 लाख रुपए दिए, यानी कुल 12.5 लाख रुपए दिए, लेकिन अभी तक किसी की नौकरी नहीं लगाई। जब रुपए वापस मांगे तो वह जान से मारने की धमकी दे रहा है। आशा वर्कर यूनियन की जिला इकाई ने सोमवार को जिला अस्पताल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया व जिला सिविल सर्जन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने की अध्यक्षता जिला उप प्रधान रजनी देवी ने की, जबकि संचालन जिला सचिव रामरति चौहान ने किया। धरने को संबोधित करते हुए सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल सिंह भाटी ने कहा कि आशा वर्कर MDM 360 ऐप डाउनलोड नहीं करेंगी, विभाग चाहे तो उसके फोन वापस ले सकता है। हमारा हरियाणा बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। लंबे समय से कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अब सरकार अनलॉक की ओर ध्यान दे रही है, एक एक कदम अनलॉक की ओर बढ़ा रही है। ऐसे में जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं अभी कुछ समय के लिए अनलॉक कर दी गई है, अब ऐसे में रेल के पहियों को भी अनलॉक करने की तैयारी में जुट गई है सरकार। जहां पहले सिर्फ कुछ ही लोगों के रिजर्वेशन ट्रेन में देखने को मिलते थे, ऐसे में अनलॉक होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रेल में पहले जैसी रौनक फिर से लौट आएगी। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होने के साथ अब सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लोग भी कामकाज शुरू करने लग गए हैं। ऐसे में अब पिछले लंबे अरसे से बंद रेल के पहियों को भी अनलॉक किया जा रहा है। मई में जहां पश्चिमी रेलवे में 45% ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा था, अब वह बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। 15 जून तक ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। पहले जहां रेल यात्री को तरस रहा था, अब ट्रेनों में भी यात्री बाहर बढ़ने लग गया है। पहले जयपुर में रोजाना दोनों शिफ्ट में 100 रिजर्वेशन ही होते थे, वहीं अब बढ़कर 500 से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा कई खाली दौड़ रही ट्रेनों में भी वेटिंग आनी शुरू हो गई है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ट्रेन पूरी तरह से पटरी पर लौट आएंगी। रेलवे के प्रमुख प्रवक्ता लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि मुजफ्फरपुर अहमदाबाद मुजफ्फरपुर वीकली त्यौहार स्पेशल का मुजफ्फरपुर से 10 से 24 जून तक और अहमदाबाद से 12 से 26 जून तक ट्रेन, बीकानेर पूरी वीकली सुपरफास्ट स्पेशल 13 जून से प्रत्येक रविवार और ट्रेन पूरी बीकानेर वाली सुपरफास्ट ट्रेन प्रत्येक बुधवार से चलेगी। वही खबर जोधपुर से आ रही है जहां स्कूल में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को घेरा है और ट्वीट के माध्यम से कहा कि अब तो हर दिन ऐसे समाचार नियमित हो गए हैं। अस्पताल के बाद स्कूल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को बिना किसी परीक्षाओं के प्रमोट कर दिया जाए। वहीं जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, उनके एग्जाम्स जो हैं, वो जुलाई या अगस्त में करवाए जाए। अब देखना ये है कि इस सुझाव पर सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में परीक्षाएं कराने को लेकर बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी है।
कमेटी की सलाह है कि फर्स्ट ईयर को बिना परीक्षा प्रमोट करने सेकेंड ईयर में मल्टीपल एग्जाम और फाइनल ईयरिंग की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराई जाए। 20 लाख से ज्यादा छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाओं और कैंपस खोलने से पहले वैक्सीनेशन का भी सुझाव है। कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि कोरोना कब खत्म होगा ये कह नहीं सकते, इसलिए यूनिवर्सिटीज में क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम अपनाया जाए, मुख जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को बढ़ावा मिले। प्रदेश की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पुराने ढर्रे पर चल रही है। बीए बीकॉम बीएससी जैसे कोर्स में सालों से एनुअल परीक्षाएं ली जाती हैं। अब कमेटी ने सुझाव दिया कि प्रवेश में एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम तत्काल लागू किया जाए ताकि छात्र का साल में दो बार मूल्यांकन हो सके। बहरहाल कमेटी की रिपोर्ट के बाद उम्मीद है कि सरकार जल्दी फैसला लेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखो दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़19। कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। भरी गर्मी में जिले की सीमा पर तैनात है पुलिस के जवान। बांदर सिंदरी के पास लगने वाली जयपुर अजमेर सीमा पर बने चेक पोस्ट पर कार्यरत पुलिस स्टाफ का सम्मान किया गया। अजमेर में समाज सेवी बिजेंद्र सिंह राठौर ने बांदर सिंदरी थाने के हेड कांस्टेबल कालूराम सैनी व चेक पोस्ट पर मौजूद स्टाफ को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। समाज सेवी बिजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस स्टाफ कड़ी धूप में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम महापौर को हटाने को लेकर के दौसा जिले के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध करके विरोध जताया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ लालसोट भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी की अगुवाई में भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर नगर निगम भाजपा के पार्षदों के निलंबन के विरोध में गुरुवार को लालसोट भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका लालसोट के बाहर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हाथों में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह आधी रात्रि को लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसी तरह आने वाले समय में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को भी जवाब देगी। और इसी अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि हाडा, नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी, पार्षद लक्ष्मी नारायण भारद्वाज सहित कन्हैया लाल सैनी, छोटे लाल सैनी, ब्रजमोहन सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौटन की ओर से विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कल किया जाएगा। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शुक्रवार को होगा चौटन में विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि विधायक पद्माराम मेघवाल सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई कार्यकर्ता होंगे धरना में शामिल। माँ विरात्रा सर्किल के पास पेट्रोल पंप के आगे कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चौटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। विरोध प्रदर्शन सुबह 11:15 बजे किया जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये विरोध प्रदर्शन एक लगातार देश के अंदर बढ़ रही पेट्रोल डीजल और गैस की मांगों को लेकर के किया जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कि वह किसके अंतर्गत किया जा रहा है और उसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देश में हो रही अनवरत महंगाई, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती दरों के विरोध में बांदीकुई में ब्लॉक व नगर कमेटी की ओर से बांदीकुई के तीनों पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह 11:15 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं सिकंदरा रोड न्यू पेट्रोल पंप विधायक एवं पीसीसी के महासचिव जीआर कटाना के नेतृत्व में मधुर हॉस्पिटल के सामने पेट्रोल पंप पर ब्लॉक बी के अध्यक्ष जयसिंह बैरवा व नगर अध्यक्ष अशोक कार्ड के नेतृत्व में व बसवा रोड पर कट्टा हॉस्पिटल के पास ब्लॉक कमेटी कांग्रेस ए के अध्यक्ष तेज सिंह सेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए कल सुबह 11:15 बजे धरना प्रदर्शन करेंगे। Let's have a quick look on big news so far.
चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बिग डिसीजन ऑफ अप्रूवल ऑफ एडिशनल प्रोविजन ऑफ 7 crore 29 lakhs फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स एंड एम्बुलेंस इन जेल्स. सीएम अप्रूव द प्रपोजल सेंट बाय द प्रीजिंग डिपार्टमेंट. ऑन सस्पेंडिंग द मेयर ऑफ ग्रेटेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटी अनित मेवाड़ा मंडल प्रेसिडेंट धर्मचंद काठोड अलॉन्ग विद अदर बीजेपी वर्कर्स प्रोटेस्टेड आउटसाइड द गांधी पार्क. स्टेटमेंट ऑफ कांग्रेस एमएलएज आफ्टर मीटिंग सचिन पायलट कैंप एमएलए मुकेश भाकर रामनिवास गावड़िया एंड वेद प्रकाश सोलंकी सेड डिस्कस विद द पायलट अबाउट द वर्क डन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड एंड प्रिपरेशन ऑफ द पार्टीज परफॉर्मेंस टुमारो. ऑल थ्री एमएलए सेड ऑन द गोइंग political turmoil with the Congress. Sachin Pilot is the Congress. We are with Sachin Pilot. But the High Command should also listen to our demands. When the problems of families in Punjab can be resolved in 10 days, it is not fair to take 10 months in Rajasthan. Honored for running a restaurant during the Corona period, Seva Bharti Community Sastrinagar congratulated Brahma Shah, the workers. Food was delivered to 25,000 people in 20 days in the second week. Mama Shah Anil Agarwal, the worker, resolved not. That's all for today. For further update, please stay tuned with News 19. वही खबर सिरोही से जहां उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई. अबू रोड सदर थाना में हेड कांस्टेबल मोतीलाल को रिश्वत लेते पकड़ा. चोरी के मामले में रिश्वत मांगी थी. 8,500 में हुआ था सौदा तय. बकाया 4,000 लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौटन की ओर से विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कल किया जाएगा. लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शुक्रवार को होगा चौटन में विरोध प्रदर्शन. आपको बता दें कि विधायक पद्माराम मेघवाल सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई कार्यकर्ता होंगे धरना में शामिल. माँ विराद्रा सर्किल के पास पेट्रोल पंप के आगे कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. चौटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है. वही खबर दौसा से आ रही है जहां भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर व प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दधीच के करौली जाते वक्त प्रवास के दौरान भाजपा मंडल कार्यालय सिकंदरा में मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा रतन जोशी मानपुर मंडल महामंत्री देवकी नंदन माल मंडल मंत्री दिनेश भोमिया के साथ संगठनात्मक चर्चा के साथ साथ पार्टी को बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए. वही खबर जोधपुर से जहां जोधपुर एसीबी की टीम ब्यावर में बड़ी कार्रवाई की गई है. नगर पालिका पार्षद के दो दलालों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. पार्षद मौके से फरार हो गया. वही एसीबी डीजी बीएनएल सोनी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है. राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय पहले पन्नाधाई योजना को लागू किया गया था. इस योजना को 2017 के अंदर लागू किया गया था और जब उस समय बीजेपी की सरकार यानी कि वसुंधरा राजे की सरकार राजस्थान के अंदर हुआ करती थी. लेकिन इस पन्नाधाई योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ दिए गए और इस योजना का अभी तक क्या प्रभाव नहीं पड़ा है, इसी को लेकर के आज हमारे स्टूडियो के अंदर शीला तिवारी जो प्रियंका राहुल ब्रिगेड कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं. तो नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर. आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये पन्नाधाई योजना आखिरकार है क्या? पन्नाधाई योजना गरीब मजदूर महिलाओं के लिए है और ये पूरे राजस्थान के लिए है. इसमें विधवा पिछड़ता एकल विकलांग लाचार महिलाओं के लिए इस योजना का मांग की थी जबरदस्त. इसमें 5 से 10 हजार महिलाएं शामिल हैं जिसमें 575+ सरकार ने महिलाओं के लिए पास किया. मतलब बेसिकली देखा जाए तो पन्नाधाई योजना में महिलाओं के लिए प्लॉट घोषित किए गए थे राजस्थान सरकार की तरफ से जी. और ये कितने गज के थे और कैसे थे? इसमें ये 50 गज के और बेगस जयपुर में मिला है और 50 गज का ये है. तब इसमें है कि इसमें गरीब और मजदूर महिलाओं को वंचित रखा गया इस लाभ से, ये सरकार की गलत नीति. जैसा आप बता रहे हैं कि विधवा परित्यागिता एकल और विकलांग लोगों को तो इसमें शामिल किया गया लेकिन मजदूर और गरीब तबके के लोगों को इसमें अलग रखा गया. आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इन्होंने ऐसे किया कि इन्होंने जो फार्म भरते वक्त कैटेगरी निकाल रखे थे
और इन्होंने केवल इन्हीं तबके के लिए आवास ये पास किए, आवंटन किए। इसमें है कि वो महिलाएं वंचित रह गई, तो मैं सरकार से मांग रखी थी कि गरीब और मजदूर बचा हुआ प्लाट दिया जाए गरीब मजदूर महिलाओं को। तो सरकार ने उस पे से जो फार्म भरते हैं ई मित्र से उस पे हटा दिया था, जो कैटेगरी होती है विधवा एकल विकलांग की कैटेगरी हटा दिया था, उसमें गरीब और मजदूर महिलाओं ने फार्म भरी थी। फार्म भरने के बाद 100 महिलाओं को आवास पास हुआ है, लेटर भी आए हैं, लेकिन अब विधवा का उसमें प्रूफ मांग रहे हैं, ये तो गलत है। अगर उसमें विधवा का प्रूफ मांग रहे हैं तो यदि कोई विधवा है तो उसमें प्रूफ देने में क्या गलत है? अगर महिला विधवा होगी तब तो उसमें प्रूफ दे सकती है, लेकिन जो महिलाएं मजदूर है गरीब है वो तो परिवार वाली है ना। मतलब कि मजदूर और गरीब तबके के लोगों को इससे अलग ही कर दिया। ये है कि ये सरकार की गलत नीति है। अब अपनी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, तो इसमें तो जो बचा हुआ प्लाट है उसको गरीब तबके की महिलाओं को मजदूर तबके की महिलाओं को छोड़ दे, 100 प्लाट बची हुई है। और जो महिलाओं को ये बार बार परेशान कर रहे हैं कि जो नहीं विधवा का आप आईडी लगाओ, तो विधवा का आईडी तो है नहीं जो लगाएगी, तो उनके प्लाट पास जब हुआ है तो कागज सही करके उनको प्लाट पट्टा दिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि आप कांग्रेस से हैं और अभी राजस्थान के अंदर सरकार भी कांग्रेस की चल रही है, और जब इस योजना को लागू किया गया था तब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके तुरंत बाद चुनाव आ गए थे तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर आ गई थी। तो पिछले लगभग 2.5-3 साल से जब कांग्रेस की सरकार है, आप ही की सरकार है, तो आपकी सरकार ने इस पर कुछ सहमति नहीं बनाई? अभी सहमति तो नहीं बनाई है, और इसमें कोरोना भी लगातार परेशान कर रखा है। अभी मुख्यमंत्री महोदय जी अभी कोरोना में लगे हुए हैं, लेकिन मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रही हूँ कि जो कैटेगरी हटा दिया गया था कंप्यूटर से, और उसमें 100 महिलाओं ने फार्म भरे थे, लास्ट में जो 100 महिलाओं मजदूर गरीब का प्लाट पास हुआ था वो तो अभी कांग्रेस सरकार है, उनको तो पट्टा दे। अब मुद्दा तो यही है, मैं उठा रही हूँ बार बार, अब सरकार से देखती हूँ आगे सरकार क्या। तो आपने सरकार में इस संदर्भ में किससे बातचीत करी है? अब मैं तो मुख्यमंत्री को लेटर देती हूँ। आप लेटर देते हैं तो उनका कोई रिप्लाई आया? नहीं आया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आप खुद प्रियंका राहुल ब्रिगेड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है और आप ही की सरकार के लोग आपको ही रिप्लाई नहीं दे रहे। अब आगे और मैं कोशिश करूंगी, कई बार मैं मुख्यमंत्री महोदय को मिलने के लिए परमिशन मांग रही हूँ, अभी सर मिले नहीं है, और मैं देती हूँ, मिलूंगी तो जरूर कुछ न कुछ फैसला होगा। जी बिल्कुल, आप जरूर मिलिए और उनका जो भी जवाब आएगा वो जरूर बताइएगा, क्योंकि इस समय विधवा परित्यागिता एकल और विकलांग के अलावा मजदूर और गरीब भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी आवास नहीं है रहने के लिए, और अगर इन महिलाओं के पास में आवास मिल जाएगा तो वह भी सुखी से अपना जीवन यापन कर सकती है। जरूर, लेकिन इसके अंतर्गत मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें किस उम्र तक की महिलाओं को रखा गया है इस योजना के अंतर्गत, और किस उम्र तक की योजना में मतलब महिलाओं को इसमें योजना में शामिल नहीं किया गया? नहीं, इसमें उम्र का कोई रोक नहीं है, किसी भी उम्र का महिला होना चाहिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो तो इसका अधिकारी बनती है, मेहनत की है, और एक महिला के सर पे छत होना जरूरी है। आजकल इतने बलात्कार बढ़ गए हैं, जगह जगह महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ता है ना, तो उसके लिए तो छत तो बहुत जरूरी है, और ये अपनी सरकार नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है ना। इसी में बहुत गहराई से लेना पड़ेगा, मेरे साथ महिला जुड़ी है 5,000 से 10,000 महिला, और वह सरकार केवल 575 महिलाओं के पास किए, तो वो भी विधवा परित्यक्ता एकल विकलांग को ही दिए, उसमें से भी प्लाट बचे हुए हैं तो 100 प्लाट बचे हुए हैं जो गरीब मजदूर महिलाओं को दिया जाए, और उनके 100 महिलाओं के जो पट्टे उनके नहीं मिल रहे हैं उनको सही करके कागज पट्टे दिए जाए। लेकिन शीला जी, इसी बीच मेरा एक सवाल उठकर के ये सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले को हुए लगभग 2-3 साल से ज्यादा होने आ गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें आपने क्या कुछ किया? इसमें मुझे
संघर्ष करते वक्त बहुत काफी साल लग गए है ना। महिलाएं सुबह 7 बजे से हर बुधवार को और 5 बजे तक सिविल लाइन में बैठी रहती थी और एक दो नहीं हजारों की संख्या में महिलाओं ने इतना संघर्ष किया कि मेरी 4-5 महिला जख्मी हो गई। गार्ड गेट से मैम बानवा है, 17 नंबर से पुनीता है, ऐसे करके संतोष शर्मा है, इसमें कई महिलाओं ने जख्मी हुई है। मुझे 36 घंटे जेल में भी वसुंधरा जी ने डाल दिए थे। आपको जेल में किस कारण से भेजा गया था, क्या इसका विरोध कर रहे थे आप या क्या क्या कुछ कारण था जवाब? इसलिए कि आप आवास क्यों मांग रही हो है ना, गरीबों को आवास नहीं मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने शांति भंग में मुझे 36 घंटे जेल में डाल दिए थे, जहाँ 50 महिलाएं गई थी और जाकर वहाँ से वो मुझे वहाँ से लाई थी, छुड़ा कर ले थी। तो आपको 36 घंटे जेल में रखा गया, लेकिन इस बीच क्या कुछ एक्शन लिया बाहर की जनता ने या फिर क्या कुछ आपके लिए किया कि आपको बाहर निकाले या फिर इस योजना के लिए किसी ने कुछ कदम उठाया? महिलाओं ने गई वकील की है ना, और वो 2 दिन तक लगातार जेल के पास वो एक रोड है वहां पर बैठी रही, जेल के बाहर 50 महिलाओं ने बैठी रही, रात में 8 बजे तक संघर्ष की और फिर वहां से महिलाओं ने लाई कि जब जनता के लिए लड़ रही है, कोई अपने लिए तो प्लाट मांगने रही है, ये तो गरीब जनता के लिए, तो फिर इनको क्यों अंदर ले आया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो ये संघर्ष किया है ये 15 योजना के लिए किया जिसके आपको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार इस पर क्या फैसला ले सकती है, क्या सरकार पक्ष में फैसला लेगी? सरकार को पक्ष में फैसला लेना ही पड़ेगा है ना, महिलाओं ने अपना पसीने बहाए हैं, 1 साल 2 साल नहीं इसमें 5 साल से अधिक समय तक, और विधानसभा लेकर जेडीए और सिविल लाइन कलेक्ट्री कहाँ पे इनकी क्या करना है, ये सब जगह तो अपनी आईडी लगाई है ना, तो इन लोगों को मिलने का अधिकार है, ये अपना अधिकार लेगी नहीं जब तक छोड़ेगी नहीं। सरकार कोई भी रहे अधिकार तो महिलाओं को देना ही पड़ेगा, अब महिलाओं का अधिकार है, एक छत का अधिकार है महिलाओं को। लेकिन शीला जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे कि ये योजना तो बीजेपी ने चालू करी थी लेकिन सरकार अभी कांग्रेस की है, तो आखिर ऐसा कांग्रेस सरकार में कौन है जो इस योजना में अड़चन डाल रहा है? अब इसमें तो अड़चने ये नहीं बता सकती कि कौन है अड़चने डाल रहे हैं, अपने तो सुनवाई से मतलब है, अपने मुख्यमंत्री से बार बार मांग रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि इतना महिलाओं ने संघर्ष की है, वो भी जानते हैं कि इस आवास पाने की अधिकारी है महिलाएं ना, तो उनको करना ही पड़ेगा सर को। मैं एक बार अब देखते हैं 2024 तक महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि शायद हम लोग को आवास मिल जाए, और ये तो महिला नहीं है इससे जुड़ी हुई 5-10 हजार महिलाएं जब सामने आएंगी तो आप देख सकते हैं कि जो महिला कितनी है जो, और सभी को आवास चाहिए। इसके अलावा वो बंजारा महिलाएं हैं, 180 प्लाट है उनके पास हुए हैं कलेक्टर द्वारा सर्वे कराकर, और जेडीए ने किसी बार पास उनके पास फाइल पड़ी है, और महिलाओं ने कई बार गए थे लेकिन उसने बोल दिया कि ये यहाँ पे कोई जमीन नहीं है, जबकि उस समय वादा किए थे कि मुड़िया राम सर में आप लोगों को आवास दिया जाएगा, अब बोलते हैं दूसरे बंजारों को दे दिया गया, वो भी आपके ही बंजारे हैं तो दे दिए तो ठीक है, लेकिन ये महिला जो बंजारा है 180 इनको तो सरकार को देना ही पड़ेगा, और इनके निशुल्क 50 वर्ग गज का प्लॉट पास हुआ है, तो अब देखती हूँ कि कहाँ पे ये देते हैं, लेकिन देना पड़ेगा नहीं तो ये तो टूट जाएंगे। सबसे ज्यादा वोटर कच्ची बस्ती में जिनके मैं छप्पर में जाकर घूमती हूँ मुझे पता है उनको पीने की पानी नहीं है, सरकार वहाँ पीने की पानी सुविधा नहीं की है, जाते हैं वोट मांग लेते हैं, वोट मांगने के लिए मैं भी हाथ जोड़ती हूँ जाती हूँ, मांग लेते हैं बोलते हैं ये पूरा करेंगे वो पूरा करेंगे, लेकिन कच्ची बस्तियों में सुनवाई नहीं होती है, पीने के पानी की टंकियां आज भी टोल टैक्स बंजारा बस्ती में नहीं रखी गई है, 4-5 महीने हो गए इसमें पार्षद को बने हुए क्यों नहीं रखी गई है
बिल्कुल ये एक अच्छी बस्ती का मुद्दा अलग है। अभी अपन पन्नाधाई योजना की बात कर रहे हैं और इस पन्नाधाई योजना में आपने बहुत अहम भूमिका निभाई है जिसमें आप 36 घंटे तक जेल भी गई हैं। लेकिन अब सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार इस पर कब एक्शन लिया जाएगा और एक्शन लेने के बाद में क्या इन महिलाओं को रहने के लिए छत मिल पाएगी या नहीं। तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा बुलेटिन। आई नजर डालते हैं हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर। एक विवाहिता पति और ससुराल वालों के जुल्मों को सहते सहते इस हद तक टूट गई कि उसने जान देना मुनासिब समझा। हरियाणा के भिवानी जिले भवानी खेड़ा कस्बे के गांव अनुनैत में एक विवाहिता ने बुधवार देर रात अपनी 5 साल की बेटी के साथ जहर मिंगल कर आत्महत्या कर ली। मृतका ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। मामले का पता तब चला जब सुबह वो उठी नहीं। पति ने उठाने की कोशिश की तो देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वह दोनों माँ बेटी को अस्पताल ले गया जहाँ उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान रवीना पुत्री धर्मवीर सिंह निवासी बोगाना हिसार के रूप में हुई। मायके वालों को जैसे ही घटना का पता चला वह बेटी और नातिन के शवों को हिसार ले आए। मायके वालों ने मृतक बेटी के पति अनीश और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए तंग करने की शिकायत दर्ज करवाई है। हरियाणा के हिसार की चौधरी कॉलोनी निवासी सेना से सेवानिवृत्त वजीर सिंह की उसके ही बेटे संदीप ने पीट पीट कर हत्या कर दी। घर से दुर्गंध आने के बाद हत्या का पता लगा। हत्या 2-3 दिन पूर्व की गई थी जिसका पता बुधवार को लगा। सूचना मिलते ही DIG बलवान सिंह राणा, DSP नारायण चंद, सदर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वजीर सिंह की डंडों व ईंटों से पीट पीट कर हत्या की गई है। शव घर में चारपाई पर मिला। पुलिस ने मृतक वजीर सिंह के भाई जयपाल बयान पर मृतक के बेटे संदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने पर कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में झज्जर पुलिस की एक SIT टीम का गठन किया। बुधवार को टीम ने भिवानी पहुंचकर आरोपी को एक ठिकाने से धर दबोचा। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर टेकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आंदोलनकारी 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई थी। बहादुरगढ़ पुलिस ने भी महिलाओं और 4 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। दुष्कर्म और वारदात की साजिश में शामिल होने के आरोप में युवती के पिता की शिकायत पर महिला पुलिस थाना बहादुरगढ़ में FIR दर्ज कराई गई और संयुक्त किसान मोर्चा को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का पता 2 मई को ही चल गया था। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने की जगह किसान नेता बैठक करते रहे। सरकारी विभाग में क्लर्क लगवाने के नाम पर 4 लोगों से करीब 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में पंचकुला के सेक्टर 23 निवासी अमित ने बताया कि न्यू राजेंद्र कॉलोनी रोहतक का रहने वाला आरोपी अमित कुमार वह काफी समय से जानता है, वह सरकारी नौकरी करता है। उसने बताया कि हरियाणा सरकार में 4600 पोस्ट क्लर्क की निकली है। मेरी अधिकारियों से अच्छी पहचान है, कोई रिश्तेदार या जानकार लगवाना हो तो बता देना। वह अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाने के लिए तैयार हो गया तो आरोपी ने कहा कि एक व्यक्ति के 5.5 लाख रुपए लेगा, हर व्यक्ति को 3 लाख देने पहले होंगे। आरोपी ने 4 लोगों को नौकरी लगवाने के लिए 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए। इसके बाद 20 सितंबर 2019 को आरोपी को जिलमिल ढाबे पर 5 लाख रुपए दिए, यानी कुल 12.5 लाख रुपए दिए, लेकिन अभी तक किसी की नौकरी नहीं लगाई। जब रुपए वापस मांगे तो वह जान से मारने की धमकी दे रहा है। आशा वर्कर यूनियन की जिला इकाई ने सोमवार को जिला अस्पताल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया व जिला सिविल सर्जन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने की अध्यक्षता जिला उप प्रधान रजनी देवी ने की जबकि संचालन जिला सचिव रामरति चौहान ने किया। धरने को संबोधित करते हुए C2 के जिला प्रधान श्रीपाल सिंह भाटी ने कहा कि आशा वर्कर MDM 360 ऐप डाउनलोड नहीं करेंगी, विभाग चाहे तो उसके फोन वापस ले सकता है। हमारा हरियाणा बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। लंबे समय से कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अब सरकार अनलॉक की ओर ध्यान दे रही है, एक एक कदम अनलॉक की ओर बढ़ा रही है। ऐसे में जहाँ तमाम तरह की सुविधाएं अभी कुछ समय के लिए अनलॉक कर दी गई है, अब ऐसे में रेल के पहियों को भी अनलॉक करने की
तैयारी में जुट गई है सरकार। जहां पहले सिर्फ कुछ ही लोगों के रिजर्वेशन ट्रेन में देखने को मिलते थे, ऐसे में अनलॉक होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि रेल में पहले जैसी रौनक फिर से लौट आएगी। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले लगातार कम होने के साथ अब सरकार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लोग भी कामकाज शुरू करने लग गए हैं। ऐसे में अब पिछले लंबे अरसे से बंद रेल के पहियों को भी अनलॉक किया जा रहा है। मई में जहां पश्चिमी रेलवे में 45% ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा था, अब वो बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। 15 जून तक ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। पहले जहां रेल यात्री को तरस रहा था, अब ट्रेनों में भी यात्री बाहर बढ़ने लग गया है। पहले जयपुर में रोजाना दोनों शिफ्ट में 100 रिजर्वेशन ही होते थे, वहीं अब बढ़कर 500 से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा कई खाली दौड़ रही ट्रेनों में भी वेटिंग आनी शुरू हो गई है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ट्रेन पूरी तरह से पटरी पर लौट आएंगी। रेलवे के प्रमुख प्रवक्ता लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि मुजफ्फरपुर अहमदाबाद मुजफ्फरपुर वीकली त्यौहार स्पेशल का मुजफ्फरपुर से 10 से 24 जून तक और अहमदाबाद से 12 से 26 जून तक ट्रेन, बीकानेर पूरी वीकली सुपरफास्ट स्पेशल 13 जून से प्रत्येक रविवार और ट्रेन पूरी बीकानेर वाली सुपरफास्ट ट्रेन प्रत्येक बुधवार से चलेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। वहीं खबर जोधपुर से आ रही है, जहां स्कूल में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री को घेरा है और ट्वीट के माध्यम से कहा कि अब तो हर दिन ऐसे समाचार नियमित हो गए हैं। अस्पताल के बाद स्कूल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपने सुझाव सरकार को सौंप दिए हैं, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को बिना किसी परीक्षाओं के प्रमोट कर दिया जाए। वही जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, उनके एग्जाम्स जो हैं, वो जुलाई या अगस्त में करवाए जाएं। अब देखना ये है कि सुझाव पर सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में परीक्षाएं कराने को लेकर बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की सलाह है कि फर्स्ट ईयर को बिना परीक्षा प्रमोट करने, सेकेंड ईयर में मल्टीपल एग्जाम और फाइनल ईयरिंग की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराई जाएं। 20 लाख से ज्यादा छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाओं और कैंपस खोलने से पहले वैक्सीनेशन का भी सुझाव है। कमेटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि कोरोना कब खत्म होगा ये कह नहीं सकते, इसलिए यूनिवर्सिटीज में क्रेडिट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम अपनाया जाए, MOOC जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को बढ़ावा मिले। प्रदेश की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पुराने ढर्रे पर चल रही है। बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्स में सालों से एनुअल परीक्षाएं ली जाती हैं। अब कमेटी ने सुझाव दिया कि प्रवेश में एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम तत्काल लागू किया जाए, ताकि छात्र का साल में दो बार मूल्यांकन हो सके। बहरहाल कमेटी की रिपोर्ट के बाद उम्मीद है कि सरकार जल्दी फैसला लेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19। कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। भरी गर्मी में जिले की सीमा पर तैनात है पुलिस के जवान। बांदरसिंदरी के पास लगने वाली जयपुर अजमेर सीमा पर बने चेक पोस्ट पर कार्यरत पुलिस स्टाफ का सम्मान किया गया। अजमेर में समाज सेवी बिजेंद्र सिंह राठौर ने बांदरसिंदरी थाने के हेड कांस्टेबल कालूराम सैनी व चेक पोस्ट पर मौजूद स्टाफ को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। समाज सेवी बिजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस स्टाफ कड़ी धूप में भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है। चलिए अभी रुक करते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर आ रही है कि जयपुर में ग्रेटर नगर निगम महापौर को हटाने को लेकर के दौसा जिले के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध करके विरोध जताया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन के खिलाफ लालसोट भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी की अगुवाई में भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर नगर निगम भाजपा के पार्षदों के निलंबन के विरोध में गुरुवार को लालसोट भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका लालसोट के बाहर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हाथों में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह आधी रात्रि को लोकतंत्र की हत्या की गई है,
उसी तरह आने वाले समय में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को भी जवाब देगी। और इसी अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि हाडा, नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी, पार्षद लक्ष्मी नारायण भारद्वाज सहित कन्हैया लाल सैनी, छोटे लाल सैनी, ब्रजमोहन सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौटन की ओर से विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कल किया जाएगा। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शुक्रवार को होगा चौटन में विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि विधायक पद्माराम मेघवाल सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कई कार्यकर्ता होंगे धरना में शामिल। माँ विरात्रा सर्किल के पास पेट्रोल पंप के आगे कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चौटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। स्वागत है आपका न्यूज आइडिंग में। मैं बोल के सेक्शन आप लोग के साथ, आइए नजर डालते हैं न्यूज आइडिंग के मॉर्निंग अपडेट की ओर। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैन आज भी उन्हें नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने पिछले साल अपने मुंबई स्थित फ्लैट पर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनकी लाइफ पर कुछ फिल्में बनाने की बात सामने आई थी। अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने एक याचिका दायर करते हुए मांग की है कि सुशांत की लाइफ पर बनने वाली फिल्मों पर रोक लगाई जाए। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा और संभावना है कि गुरुवार को ही कोर्ट का फैसला भी आ जाए। केंद्र जम्मू में विभाजन पर विचार कर रही है, इसे लेकर के 6 महीनों बाद गुप्कर गठबंधन के सदस्यों ने बुधवार को बैठक भी की है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बैठक केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा अनिश्चितता पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। खास बात इसमें यह है कि कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त कंपनियां कश्मीर पहुंची, इसे लेकर प्रदेश में चर्चा जारी है। अजिंक्य रहाणे आज टीम इंडिया की बल्लेबाजी की अहम कड़ी है। विदेशी दौरे पर उनका बल्ला खूब बोला है, उनके रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं। उन्होंने अब तक टेस्ट में 12 शतक लगाए और इसमें से 8 विदेशी पिचों पर आए हैं। पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे में रेगुलर कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उन्होंने जिस तरह टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज जिताई, उससे बतौर कप्तान उनकी साफ और साख काफ़ी बढ़ चुकी है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बाईं कोहनी में लगी चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। विलियमसन ने यह फैसला भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के मद्देनजर लिया है। विलियमसन फाइनल में पहले आराम करना चाहते थे, कीवी कोच गैरी स्टेट ने कहा कि कुछ समय से विलियमसन चोट से परेशान थे। कोच ने कहा कि उन्हें यकीन है कि विलियमसन 18 जून से होने वाले मैच तक फिट हो जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियों का दबदबा हमेशा से ही भारत की राजनीति में रहा है। हालांकि पार्टी फंड के मामले में बीजेपी लगातार 7 साल से कांग्रेस से काफ़ी आगे चल रही है। चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2019-20 में पार्टी को कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत तौर पर 750 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। यह कांग्रेस पार्टी को मिले 139 करोड़ रुपए से कम 5 गुना ज़्यादा है। इसी अवधि में एनसीपी को 59 करोड़ रुपए, टीएमसी को 8 करोड़ रुपए, सीपीएम को 19.6 करोड़ रुपए और सीपीआई को 1.9 करोड़ रुपए मिले। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।